In this video, we are going to discuss the test of DPS Chandigarh held today. And let's begin. The very first question is 3.5, 0.8, 301.6 are dash test pulse. And the given options are like, unlike, equivalent. देखो गिवन नंबर्स क्या है 3.5 0.8 and 301.6. अब ये देखना है कि ये कैसे डेसिमल्स है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखो इस नंबर में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? 1। इसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? 1। इसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? 1। सभी में आफ्टर डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम, that is only 1. तो it means ये कैसे डेसिमल्स हुए? लाइक डेसिमल. So the correct option is this. Now the next question is find the mod of the given data, and the given data is this, and the given options are 42, 43, 44. अब यहाँ पर हमें गिवन डेटा का मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि मॉड होता क्या है। The most frequently occurring observation is called mod. Means वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। अगर हम गिवन डेटा को ध्यान से देखें, इसमें जो सारी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ एक बार आ रही है। Except 44. 44 is coming twice. So mod of the given data is 44. So the correct option is this. Now the next question is 0.28 as a fraction in the lowest form is dash, and the given options are 14/50. 4/25, 7/25, 4/50. अब हमें देखना है that 0.28 as a fraction in lowest form क्या होगा। सबसे पहले तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। हाँ जी, इसको फ्रैक्शन में लिखा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? 2. तो इट मींस डिनोमिनेटर में जीरो कितनी आएंगी? 2. तो ये तो हो गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमें चाहिए फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें कैंसिल करना है। अब ये बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कौन सा फैक्टर कॉमन है? 4। भाई इसको 4 से डिवाइड किया वी गेट 7, इसको 4 से डिवाइड किया वी गेट 25. सो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 7/25. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31.004 into 100 is equal to dash, and the given options are 0.31004, 3100.4 and 31004. तो अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट कितना होगा। हाँ जी, गिवन क्या है? 31.004 into 100. हमें देखना है इनका प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर हम इस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा किस तरफ? टू द राइट। कितनी प्लेसेस शिफ्ट होगा? भाई यहाँ पे जीरोस कितनी है? 2. सो डेसिमल विल शिफ्ट 2 प्लेसेस टू द राइट। तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा? 1, 2 आफ्टर दिस 0. सो इट विल बी 3100.4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज. Now the next question is 11.5, 16.03, 0.27, 11.94 is sum. These are the given options. अब हमें इनमें से देखना है कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है इनका। असेंडिंग ऑर्डर का मीन क्या है? टू अरेंज दीज नंबर्स इन एन ऑर्डर सच दैट सबसे पहले कौन सा है? स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर और एंड में ग्रेटेस्ट। तो अब गिवन नंबर्स क्या क्या है हमारे पास? 6.5, 16.03, 0.27 and 11.94. तो सबसे पहले तो देखो कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज 0.27. अब इससे ग्रेटर 6.5, इससे ग्रेटर 11.94 और ग्रेटेस्ट है 16.03. अब देखना है कि ये ऑर्डर कौन सी ऑप्शन है। हाँ जी, 0.27 से स्टार्ट होने वाली ये दो ऑप्शन है। हाँ जी, इसमें 0.27 है, उसके बाद 6.5 है, लेकिन यहाँ पे क्या आया? 16.03. तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट 0.27 है, 6.5 है, 11.94 then 16.03. So it is the correct ascending order. Now the next question is 22 kilograms, 5 grams is equal to dash kilogram, and the given options are 22.5, 22.005, 22.05. अब यहाँ पर हमें देखना है कि given quantity is equal to how many kilograms? भाई given quantity क्या है? 22 kilograms, 5 grams. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। अगर हम ध्यान से देखें, ये तो ऑलरेडी किलोग्राम है। अब ये पार्ट जो है ये है ग्राम, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 22 किलोग्राम प्लस, हाँ जी, अब 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोलो किससे डिवाइड करेंगे? बाय 1000। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इन किलोग्राम। So 22 किलोग्राम प्लस, अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर कितनी जीरो है? 3. तो इट मीन आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट होने चाहिए? 3. सो राइट से स्टार्ट करें 1, तो रेस्ट को हम क्या लगाएंगे? जीरो। सो 0.005 किलोग्राम. सो दिस इज इक्वल टू 22.005 किलोग्राम. हाँ जी, सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? दिस वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस इन इयर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन, व्हाट इज द रेंज, एंड द गिवन ऑप्शन आर 5 years, 4 years, 3 years, 2 years. हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? Ages in years of 10 students are given, and what is the range? हमें find करनी है range of the given data. Range का मतलब क्या होता है? Data कहाँ से लेकर कहाँ तक है? Means difference of the highest observation and lowest observation. तो अब इस given data की highest observation कौन सी है? Highest observation is 15 और given data में lowest observation कौन सी है? 10. To find their range, we want their difference. तो अब difference कैसे find करते हैं? Greater में से हम subtract करेंगे smaller. So 15 minus 10 and this is equal to 5. So range of the given data is 5. अब ये ठीक है, ages in years, so range is 5 years. So the correct option is. The next question is the product 1.3 into into 1.3 into 0.13 equals dash, and the given options are 2.197, 2.179, 0.2179, 0.2197. अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट कितना होगा। हाँ जी, गिवन क्या है 1.3 into 1.3 into 0.13। अब हमें इन डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। भाई डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? हम गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एज होल नंबर्स। सो 13 into 13 कितना होगा 169, 169 into 13 कितना होगा 2197। सो दिस इज द प्रोडक्ट एज होल नंबर्स। अब हमें देखना है कि डेसिमल कहां पे लगा। यहां पर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं 1, यहां पे आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं 1, यहाँ पे आपके डेसिमल कितने डिजिट्स हैं 1 2। सो 1 + 1 2 + 2 4। इट मींस प्रोडक्ट में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होने चाहिए 4। सो राइट से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो डेसिमल कहाँ पे आएगा बिफोर दिस 2, यहाँ पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। Question is, there are 23 apples, 18 oranges and 4 mangoes in a basket. One fruit is picked at random. What is the probability that it is an orange? And the given options are 1/45, 23/45, 2/5, 2/45. Up. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? देयर आर 23 एप्पल्स, 18 ऑरेंजेस एंड 4 मैंगोज इन अ बास्केट। वन फ्रूट इज पिक्ड एट रैंडम और हमें फाइंड क्या करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम फाइंड कैसे करते हैं। Probability of an event is equal to number of favorable outcomes over total number of outcomes. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि total outcomes कितने होंगे, total possible outcomes। सो उसके लिए हमें क्या देखना है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। हाँ जी, टोटल फ्रूट्स कितने हैं बास्केट में 23 एप्पल्स हैं और 18 ऑरेंजेस हैं एंड 4 मैंगोज आर देयर। सो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए? On adding you will get 45. So we get total possible outcomes are 45. अब हमें क्या चाहिए number of favorable outcomes. Favorable outcomes कौन सी होंगी? भाई हमें किसकी probability find करनी है of getting an orange। और basket में number of oranges कितने हैं 18. तो it means number of favorable outcomes कितनी है? in the first 11 prime numbers is dash, and the given options are 1/11, 2/11 and 0. हाँ, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? Probability of getting an even number. किसमें से? In first 11 prime numbers. फिर probability of an event हम फाइंड कैसे करते हैं? Number of favorable outcomes. Over total number of possible outcomes. अब ये बताओ कि यहाँ पर total outcome कितनी होगी? हाँ जी. What is given? The first 11 prime numbers. It means total outcomes कितनी है? 11. अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है. फेवरेबल आउटकम मीन्स हमें चाहिए क्या क्या देखना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. ये इवन नंबर किसमें से देखना है? फ्रॉम फर्स्ट 11 प्राइम नंबर. सबसे पहले एक बात बताओ, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर? ओनली वन. एंड व्हाट इज दैट? 2. जब एक ही प्राइम नंबर है विच इज इवन, तो फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स में कितने इवन प्राइम नंबर्स होंगे? ओनली 1. इट मीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हुई? 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कितनी हो गई? भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 11. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/11. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड डैश एंड द गिवन ऑप्शंस आर डेटा, टेलीमास, फ्रीक्वेंसी. हाँ जी, नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर्स उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग यंगर विथ एवरी पासिंग डे इज डैश एंड द गिवन ऑप्शंस आर 0, 1/2, 1. अब यहां पर हमें फाइंड किया जाता है probability of you getting younger with every passing day. एक बात बताओ, with every passing day आप younger होते हो कि older होते हो? You get older. It means getting younger with each passing day is impossible. It means ये कैसा event है? Impossible event. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? 0. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सब्ट्रैक्टिंग 67.834 फ्रॉम 78 वी गेट डैश एंड द गिवन ऑप्शंस आर 10.166, 10.16, 10.66, 11.834. अब हमें क्या देखना है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 67.834 इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 78. किसमें से करना है? 78 में से. सो 78. हाँ जी, अब ये तो एक डेसिमल नंबर है. अब ये बताओ कि 78 में डेसिमल कहाँ पे है? आफ्टर 8. सुना, अब 78 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. हाँ जी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे. तो इसके नीचे क्या आएगा? इस नंबर में 1 प्लेस पे क्या है? 7. तो यहाँ पे आएगा 7. अब 7 कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे. और इस नंबर में 10 प्लेस पे क्या है? 6. तो यहाँ पे क्या आएगा? 6. नाउ 67 पॉइंट यहाँ पे क्या है 834, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं जीरोस। अब हमें इनको सबट्रैक्ट करना है। हाँ जी, क्या जीरो में से 4 सबट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कैरी कहाँ से लेंगे? यहाँ से। यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे क्या बचा 7। तो जब यहाँ पे कैरी है, यहाँ पे क्या बन गया 10। अब क्या हमें कैरी यहाँ पे चाहिए? नहीं, तो कैरी आगे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्या रह गया 9 और यहाँ पे क्या बन गया 10। कैरी कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे, तो इसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या रह गया 9 और यहाँ पे क्या बन गया 10। नाउ 10 - 4 6, 9 - 3 6, 9 - 8 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नाउ 7 - 7 0 and 7 - 6 1. So the answer is 10.166 and the correct option is given below are the marks of 15 students in mathematics test and the data is given to us. Find the median and the given options are 22 15 18 20. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। और मीडियन क्या होता है? The middle most value of the data when the data is arranged in ascending order or descending order। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इस डेटा को अरेंज करना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। लेट्स अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बाद उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर और एंड में ग्रेटेस्ट। अब इस गिवन डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 10। हाँ जी, 10 के बाद नेक्स्ट 11, 11 के बाद नेक्स्ट 13, 13 के बाद नेक्स्ट 15, एक 15 यहाँ भी है। हाँ जी, 15 के बाद नेक्स्ट 16, 16 के बाद नेक्स्ट 18। हाँ जी, 18 के बाद नेक्स्ट 22, 22 के बाद नेक्स्ट 24, then 24, उसके बाद नेक्स्ट 25, then 27, then 27, then 28, then 30. So these are the marks of 15 students arranged in ascending order. अब हमें फाइंड करना है मीडियन। तो अब हमें क्या चाहिए, इनमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू। हाँ जी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है ये 15। 15 का हाफ कितना होता है 7.5। इट मीन्स इनमें से 7 ऑब्जर्वेशन एक तरफ होंगी और 7 दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन एक तरफ हो गई और ये सारी एक तरफ। तो मिडिल मोस्ट कौन सी हुई इनमें से 22। सो मीडियन ऑफ द डेटा इज 22। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स इज 320.40 रुपीस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। Now this is a subjective question. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को स्टेप्स भी लिखने थे। So let's see इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स इज गिवन। सो सबसे पहले गिवन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स इज इक्वल टू रुपीज 320.40. Then we have to find the cost of one notebook. So, cost of one notebook. अब देखो, एक नोटबुक की कॉस्ट है 320.40 रुपीस, तो एक नोटबुक की कॉस्ट इससे कम होगी कि ज्यादा? कम। कम है तो हम इस क्वांटिटी को क्या करेंगे? डिवाइड। अब किससे डिवाइड करेंगे? बाय 8। So on dividing, you get 40.05, and this is the answer. Now the next question is: the mean of first 6 multiples of 15 is dash. अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? मीन किसका? ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 15. तो सबसे पहले तो 15 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखते हैं। हाँ जी, 15 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 15, नेक्स्ट 30, देन 45, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 90. So these are the first 6 multiples of 15. अब हमें क्या चाहिए? इनका मीन। हाँ जी, मीन किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम कितना आएगा? 15 + 30 + 45 + 60 + 75 + 90 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने मल्टीपल्स हैं ये? फर्स्ट 6, तो कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? 6। इन सबको आप ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 315/6, and on dividing you will get 52.5. So the answer is 52.5. Find the sum of 19.8, 21.45, and 0.08. This is again a subjective question. तो अब हमें इन डेसिमल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहला नंबर है 19.8। अब नेक्स्ट देखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। सो अब 9 के नीचे क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर ये है, 9 के नीचे क्या आएगा? इस नंबर में 1 प्लेस पे क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। इस नंबर में 10 प्लेस पे क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। आफ्टर डेसिमल यहाँ पे क्या है? 4, 5। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट नंबर है डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या है? 0, तो 0 कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। अब डेसिमल के बाद क्या है? 0, 0, 8, सो 0, 0, 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाया? 0। अब हमें क्या फाइंड करना है? इन सबका सम। वी हैव टू ऐड दिस। नाउ इनको ऐड किया तो 8, यहाँ पे 5, 8 + 4, 12, कैरी 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नाउ 9 + 1, 10 + 1, 11, सो 1 कैरी, 1 + 1, 2 + 2, 4. So this is the answer. This was the discussion of today's test. I hope you enjoyed the discussion. If you want to share the video with your family and friends, you are free to do that. Thank you.